इस प्रकार से कैप्टन कुमार ने जहाज के अन्य क्रू मेंबर को आदेश दिया और वे सारे क्रू मेंबर जो पांच क्रू मेंबर मिलके एमवी तृष्णा को थोड़ा टेढ़ा किया उठाया। अब सोचिए एमवी तृष्णा का वजन कितना था, 8,000 टन। क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट वाज द वेट ऑफ एमवी तृष्णा, 8,000 टन, 1,000 टन सिप और मामूली सा पांच आदमी, उतना बड़ा प्रशांत महासागर में उठा के किराया कर दिया और उसमें जो है लकड़ी का प्लग उसमें इंसर्ट कर दिया, है ना बकवास। लेकिन बकवास रहने दीजिए, इससे फायदा क्या, इससे है कि आपको सीखना है ना, इसमें आपको कल्पना शक्ति सीखना है, इसमें इंग्लिश सीखना है, वर्ड मीनिंग सीखना मैन, इसमें जो वर्ड मीनिंग है लगभग जो 300-500 वर्ड मीनिंग है इसको पूरा आत्मसात कर जाइए, ये आपकी जिंदगी को बना देगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव नहीं जाना है, नेगेटिव का बाल का खाल नहीं खींचना, आम खाने से मतलब रखना, आम खाओ और आम खाने से मतलब रखो, गुठली मत गिनो। तुम जो ना बहुत गुठली गिनता है, हाँ तुम्हें को बोल रहे हैं और तुम लोग, और तुमको ही नहीं बोल रहे, तुम लोगों को बोल रहे हैं गुठली मत गिनो। तो इस तरह से जो है क्या टिल्ट किया गया, लिस्ट किया गया एमवी तृष्णा को और पांच लोग मिलके उसको खड़ा कर दिया, उसमें जो है वुडन प्लग लकड़ी का एक प्लग जो है उसमें वेस्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया गया, घुसा दिया गया उसमें और फिर उसमें सीमेंट से जाम कर दिया गया। तो यही आप लोग को लिखना है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा एमवी तृष्णा को कैसे बचाया गया, तो एमवी तृष्णा को बचाया गया कि एमवी तृष्णा टेढ़ा कर दिया गया, उसमें वुडन प्लग को इंसर्ट कर दिया गया। तो इसमें आंसर होगा, इसमें क्वेश्चन रहेगा कि हाउ वाज द एमवी तृष्णा सेव्ड, द आंसर विल बी दैट द एमवी तृष्णा हैड बीन सेव्ड द एमवी टू लिस्ट द एमवी तृष्णा एंड वेस्ट टू वेस्ट वुडन प्लग एंड सीमेंटेड एंड फाइनली द होल वाज स्टॉप एंड स्टॉप गसिंग इन स्टॉप एंटरिंग द वाटर्स एंड देर वॉज द रिलैक्स कंडीशन एंड जस्ट आफ्टर दैट ऑल्सो वेदर स्टार्टेड टू सूथ देयर, और धीरे धीरे वेदर भी ठीक हुआ, इस प्रकार से एमवी तृष्णा जो है बच गया। एक क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछेगा कि विशाल ने अपने पिताजी को क्या सलाह दिया, तो व्हाट सजेशन वॉज गिवन टू कैप्टन कुमार बाई विशाल, द आंसर विल बी दैट विशाल टोल्ड an experience just resembling to that incident when the Vishal and his friend were going by a ship and they were trapped in Okhla and also there was a little hole in their ship, then they tilted their ship and just like cemented by a wooden plug and finally they rescued. So this suggestion was given to Captain Kumar and Vishal told, please, the Emi Tishna had to be listed and एमवी तृष्णा हैड टू बी टिल्टेड एंड वेस्ड बाई सम वुडन प्लग एटसेट्रा एंड सीमेंटेड एंड बाई दिस प्रोसेस एमवी तृष्णा कुड हैव बीन सेव्ड और फाइनली दिस सजेशन हैड बीन एक्सेप्टेड बाई कैप्टन कुमार। तो यही एक सजेशन है जो दिया गया था, यहां भी एक क्वेश्चन पूछेगा और एमवी तृष्णा कितना वजन है, ये भी क्वेश्चन है 8,000 टन, तो इसको भी याद कर लीजिए। और कैप्टन कुमार भयभीत क्यों हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वाई वाज कैप्टन कुमार अफ्रेड, बैरोमीटर डाउन चला गया था और बुरा जो वेदर है उसका सूचना सूचक था और खराब बद से बदतर होने वाला है, तो इस प्रकार से था। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार से मतलब जो एमवी तृष्णा है जहाज सुरक्षित हो गया और उसका होल बंद हो गया, सीमेंट से जाम हो गया और लकड़ी का प्लग से जाम हो गया और उसके बाद फिर जो टाइफोड इल्सी भी है वो धीरे धीरे शांत हो गया और अब एक दिन ही बचा था और धीरे धीरे वे लोग चैन का राहत लिया, वे लोग बोला कि अब हम लोग सुरक्षित हैं और अब हम लोग जो है अब अपना गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, वहां पर एक जो छोटा टापू है मिंडानाओ वहां पहुंच सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां भी पूछेगा कि वेयर वाज एमवी तृष्णा गोइंग, एमवी तृष्णा कहां जा रहा था या वह जहाज कहां जा रहा था, तो वह जहाज जा रहा था एक टापू था, छोटा सा टापू, उसका नाम था मिंडानाओ, मिंडाओ किताब में दिया है मिंडाओ, तो दोनों याद कर लीजिए, मिंडानाओ और मिंडो, मिंडाओ भी याद कर लीजिए और मिंडानाओ भी याद कर लीजिए, एग्जाम स्कूल वगैरह में मिंडाओ ही दीजिए क्योंकि बुक में मिंडाओ दिया है, क्योंकि आप मिंडानाओ देंगे सही देंगे, टीचर लोग आपका मार्क्स नहीं देगा क्योंकि बहुत सारे टीचर को खुद नहीं पता है उतना ज्योग्राफी का नॉलेज, उतना डीप में पढ़ते नहीं है, तो आप मिंडाओ ही दीजिए। लेकिन मैं थोड़ा मार्गदर्शन इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा अपने ओरा को बढ़ाइए, ज्ञान का ओरा बढ़ाइए, ये आपको कामयाब
बनाएगा। लकीर का फकीर मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि लकीर का फकीर अगर मैं बताऊंगा तो फिर आपका दृष्टिकोण भी चेंज नहीं होगा और धीरे धीरे वही लकीर के फकीर हो जाएंगे, तो आपका जिंदगी का व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। ये देश में क्रिएटिविटी नहीं आ सकता, ये देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इस देश को डेवलप करना है तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स स्टीरियोटाइप थिंकिंग से हट के कुछ अलग जाके कुछ डायमेंशन विद्यार्थियों को देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कमेंट में लिखिए इस टॉपिक के बारे में, यह टॉपिक कैसा लगा तो इसके बारे में लिखिए। देखिए बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग में नहीं बताया हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे विद्यार्थी का जो ये मेंटेलिटी होता है छोटा वीडियो 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये पहले गंदा और घटिया मेंटेलिटी निकाल दिए। चूंकि एजुकेशन है, ज्ञान का बात मिल रहा है, तो आप टाइम में मत जाइए, वीडियो आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा जितना है देखिए, मतलब पढ़िए, जितना पढ़ेंगे जितना ज्ञान को आप ग्रहण करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, अपने आप को फोकस कीजिए, तभी आपका जिंदगी में क्रिएटिविटी आ सकता है और आप कामयाब होंगे। वरना वो पढ़ाई पास सेकंड फर्स्ट कोई माने नहीं रखता, थोड़ा बहुत बुद्धिमान जिंदगी में हो जाइएगा, जिंदगी में कामयाबी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ठोकर है, बहुत धक्का है, बहुत ही कॉम्पिटिशन है। कहां जाइएगा, जहां जाइएगा वहां धक्का धक्का, ठोकर में ठोकर, और जिंदगी बेकार। पता चलेगा आपसे भी, मतलब आप टैलेंटेड सोच रहे थे, आपसे भी कई कई गुना टैलेंटेड पहले से ठोकर खा रहा, धक्का खा रहा। तो कहने का मतलब है उस लेवल पे जाएंगे तभी आप कामयाब होंगे, पहला बात है। और आप कामयाब नौकरी में नहीं भी होंगे ना, तो भी आपके पास ज्ञान नॉलेज रहेगा, तो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब हो जाएंगे। पैसा तो आप कमा ही सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, आप मार्गदर्शन कर सकते हैं और क्रिएटिविटी कुछ नया सृजन कर सकते हैं, देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, दूसरे के लिए भी। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, तो पढ़ने का नशा होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को नशा होता है कुछ खाने पीने का, कुछ करने का, उसी तरह विद्यार्थियों को भी नशा होना चाहिए पढ़ने लिखने का, और इस प्रकार से पढ़ाई से प्रेम होना चाहिए, बुक से प्रेम होना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने वाले को शिक्षकों से प्रेम होना चाहिए, स्टूडेंट से प्रेम होना चाहिए। जब तक आप किताब से प्रेम नहीं करेंगे, टीचर से प्रेम नहीं करेंगे, लव करना होगा, किताब से प्रेम कीजिए, स्कूल से लव कीजिए, टीचर से लव कीजिए, ज्ञान से लव कीजिए, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। और विरोधाभास होगा, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद भी कुछ लगे कुछ टॉपिक वगैरह चाहिए, हम नेक्स्ट टॉपिक में भी इसमें फिर बनाएंगे, अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह का भी और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यही फुल एंड फाइनल नहीं है, देखिए हर वीडियो जो है अलग अलग प्रकार का होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन अलग अलग जो है बात को ध्यान में रख के जब करते हैं तो अलग अलग प्रकार का हो जाता है। तो इतना ही बहुत ही ज्यादा है, किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन आपका इसी में बनेगा। देखिए बहुत सारा समस्या आके आज हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, बिहार झारखंड के स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इतना खराब है, क्योंकि पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश, लेकिन आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो वो इंग्लिश में खाक समझेगा, कहानी समझेगा ही नहीं, और ना ही कहानी को ग्रहण कर पाएगा। तो थोड़ा सा समस्या है कि हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिला के बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इस कहानी को अगर हम जस्ट लाइक बोलेंगे कि देयर इज ए स्टोरी रिटन बाय, देयर स्टोरी स्टोरी एडवेंचर रिटन बाय नीता बेरी, एंड दिस स्टोरी स्टार्स from the Pacific Ocean because there was a ship named that Ambitrishna and Ambitrishna was going to a small island and the name of that small land is Mindanao. Mindanao. And Mindanao is situated just like below of the Philippine Sea and southern part of the China, nearby the Davao and nearby the northeastern direction of the Sulu Sea or northern side of the Malaysia. And this actually what happened that this island had been inundated earlier few days and the people of there started to starve. तो देखिए थोड़ा सा पूरा इंग्लिश में ही अगर बोलेंगे ना तो विद्यार्थी के साथ क्या समस्या, बिहार झारखंड के अधिकतर स्टूडेंट और हिंदी प्रांत वाले जो स्टूडेंट है, दिल्ली के स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश राजस्थान के स्टूडेंट है, अधिकतर स्टूडेंट के साथ समस्या है कि हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो फिर वही आ जाता है, करज का आवश्यकता पड़ जाता है, मतलब बैसाखी का आवश्यकता पड़ जाता है, ये भी समस्या है। तो एक अच्छे टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से विद्यार्थी को सिखाएंगे, कामयाब कराएंगे। कहने का मतलब है कि कैसे भी सिखाइए तो या विद्यार्थी का भी या जहां पर एक सफलता
का पैमाना है वो चैलेंज है, वहीं पर एक टीचर के लिए मतलब पैमाना है, टीचर के लिए भी एक चैलेंज है। तो अच्छे टीचर इस बात को समझते हैं और किस तरह से विद्यार्थी को सिखाना है। तो टीचर जो अच्छे एक सक्सेसफुल टीचर होते हैं, योग गुरु होते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि इस मशीन को, इंजन को कैसे ठीक किया जाए, इस ट्रेन का जो कहां पर नट बोल्ट खराब है और किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, जहाज को कैसे उड़ाया जा सकता है, उसी तरह विद्यार्थियों को कैसे कामयाब कराया जा सकता है, विद्यार्थियों में एक्सप्रेशन कैसे आएगा, वो इस चीज का समझ होता है और विद्यार्थी और सिखाते हैं और विद्यार्थी को सीखते हैं। लेकिन जो टीचर ही उसको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, बट द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग द टीचर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, टीचर्स डोंट नो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हाउ डज द ब्रेन ग्रास्प एनी थिंग्स, हाउ डज द ब्रेन नो लर्न एनी थिंग्स, देन हाउ would the teachers be able to teach to the students, guide to the students? So this is the problem, this is a great problem. So in this beginning time series, great responsibility goes to the teachers, that टीचर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड योग गुरु होना चाहिए तभी, नहीं तो बहुत समस्या है। और यही मेन कारण है कि आज पूरा पढ़ाई लिखाई चौपट है और विद्यार्थी चौपट क्या बोला जाए। तो अब अशोक सर आ गया है, डरने की कोई भी बात नहीं है, विद्यार्थी तो कामयाब होगा और 100% नहीं है, 1000% गारंटी है कि विद्यार्थी को कामयाब करने का बीड़ा हमारा संस्था पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने उठा लिया है, अशोक सर ने उठा लिया है और अशोक सर सारे विद्यार्थियों को कामयाब कराएगा, केवल पूरे भारत को कामयाब कराएगा, सारे भारत के स्टूडेंट को घर बैठे ही कामयाब कराएगा, नौकरी आईएएस आईपीएस दरोगा इंस्पेक्टर तो बनाएगा ही हजारों लाखों के संख्या में। और टेंशन नहीं लेना है, नौकरी से भी बड़ा, उसे भी बहुत ऊपर लेवल का कामयाब विद्यार्थियों को कामयाब करने का बीड़ा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने और अशोक सर उठा लिया है और विद्यार्थियों को कामयाब करके छोड़ेगा। यही तो हमारे भी देश के लोग समझ नहीं पाए, अधिकतर लोग नहीं समझ पाए, कुछ लोग समझ रहे हैं और किताब पढ़ाने वाले अधिकतर लोग समझ नहीं पा रहे, वही सड़ा गड़ा सिस्टम और सड़ा गड़ा पढ़ाई का तरीका, विद्यार्थी गारंटी के साथ विद्यार्थी कामयाब नहीं हो पाएगा जब तक उसका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो नहीं करेंगे, जो हमारा एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र सर प्रधान सर भारत के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं और जो हमारा पार्लियामेंट में बोल रहा है उसको समझना चाहिए। भारत का संविधान और भारत के संविधान के आदर्श को नहीं फॉलो करेंगे टीचर्स, स्टूडेंट, इस देश का विकास नहीं हो सकता है, इस देश के लोग भारत का संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, यह देश सफल नहीं हो सकता। मेरा 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 ये खोपड़ी गंदा हो चुका है दिमाग लोगों का, मेरा 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 को निकालो, हमारा 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 होना चाहिए। जब तक मेरा रहेगा बच्चे में, जब तक मेरा रहेगा लोगों में, जब तक मेरा रहेगा नेताओं में, जब तक मेरा रहेगा टीचर में, मेरा रहेगा तो कभी भला नहीं होगा, उसका तो होगा भी नहीं, दूसरा का भी नहीं होगा, हमारा, क्योंकि संविधान में लिखा गया हमारा, वी हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और बाद में बोलेंगे बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है, बच्चा सब कहता है वीडियो बड़ा बनाता, अरे तुम्हारे भलाई के लिए वीडियो इतना बड़ा बनाता हूं, आप लोगों के भलाई के लिए बनाते हैं, हम अपने भलाई के लिए बनाते हैं क्या, इतना खटना इतना मेहनत करना शौक है मेरा क्या, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना लंबा वीडियो इतना बना रहे, इतना इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं किसके लिए, इतना इतना पैसा खर्चा कर लिए कर रहे हैं आपके लिए, और आपको ये वीडियो यूट्यूब में बिल्कुल फ्री, इस वीडियो बनाने के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख का सेटअप लगा दिए है किसके लिए, आप विद्यार्थी के लिए, और आपको मिल रहा है फ्री, केवल डाटा इस्तेमाल हो रहा है 2-3 रुपया का, और कहते हैं इतना लंबा वीडियो है, अरे क्या सोच विद्यार्थियों का हो गया है, स्कूल वाले टीचर ने क्या सोच विद्यार्थियों का बना दिया, पॉजिटिव सोचिए तभी कामयाब होंगे, इस प्रकार से कामयाब नहीं होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अलग अलग प्रकार के वीडियो पूरा पढ़ाई का अब खाल निकाल के रख देंगे, बाल का खाल जैसे खींचता पढ़ाई का खाल, हर चीज हर पढ़ाई अब घर बैठे ही मिलेगा, गारंटी अनलिमिटेड जैसे डाटा मिला था कभी फ्री जियो स्टाइल में, उसी तरह पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और एक स्टडी सेंटर अनलिमिटेड जियो स्टाइल में पढ़ाई देगा, अनलिमिटेड पढ़ाई, पढ़ते रहिए 24 घंटा, मोबाइल चलाइए, बाथरूम में मोबाइल चलाइए, किचन में मोबाइल चलाइए, सोते हुए मोबाइल चलाइए, ट्रेन में मोबाइल चलाइए, प्लेन मोबाइल चलाइए, जहां भी जाइए जंगल झाड़ फ्ले सभी जगह मोबाइल खोलिए, निकालिए एक स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई मास्टर आए चाहे नहीं आए,
कोई कुछ हो चाहे नहीं हो, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए और कामयाब होइए और खुद कामयाब होइए, अपने घर परिवार को सफल सक्सेस बनाइए और इस गांव समाज का नाम ऊंचा कीजिए और देश को कामयाब बनाइए। तो काम ऐसा कीजिए कि दूसरे का भी भला हो, दूसरे का भलाई में अपना भलाई हो, खुद अपना माल कमा लिए, पड़ोसी के लोग भूखे मर रहे हैं, गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, तो घंटा कुछ नहीं किए दूसरे को कामयाब बनाओ, इतना अपने आप में कैपेसिटी डेवलप करो कि दूसरे को कामयाब बना सकते हो। एक इंजन की तरह, जिस तरह इंजन कई बोगियों को खींचता है, उसी तरह से इंप्रूव योर कैपेसिटी सो दैट यू कैन कैरी मेनी वैगन्स, यू कैन जस्ट लाइक्स टू द बेटर, टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू द बेटर लाइफ ऑफ मेनी पीपल्स ऑफ इंडिया एंड मेक द इंडिया प्रॉस्परस एंड इन विच दे दिस गोल विल बी achieved, then again India will become superpower and nobody able to agitate, nobody able to dare to get and peep over India with bad view and bad intention in this video. MB Trishna, थोड़ा सा और फोटो दिखा देते हैं जाते वक्त, देख लीजिए थोड़ा मजा आएगा। ये बुतरू सब, ये बचवा सब देखिए है ना, ये विशाल और रोहिणी है बच्चा और उसके मम्मी घर में बैठी हुई है। ये है कैप्टन कुमार, ये जहाज वाला हाल इधर उधर दौड़ रहा भाग रहा है, ये कैप्टन कुमार, ये जो रेडियो ऑफिसर है ये रिपोर्ट लाता है, और ये देखिए किस प्रकार से जहाज मतलब जद्दोजहद कर रहा है, टाइफून इलसी का लहर बड़ा बड़ा है, जहाज में किस तरह हालत खराब हो गया है, इधर अफरा तफरी का हालत हो गया है, ये सब किताब में है, पढ़िए। ये देखिए कहानी ओखला वाला भी कहानी दिखाया गया है, एक ऐसा जो इंसिडेंट था जहां पर ये लकड़ी वाला प्लग, देखिए ये बच्चा जो है बड़ी मजा आता है, देखिए लकड़ी का प्लग जो है यहाँ पर घुसाया और बचा लिया नाग है ना, गजब। अरे है तो देखने में क्लास सेवन का, लेकिन इतना नॉलेज है। ये देखिए अब ये वाला देखिए, अब ये जो है पांच आदमी मिलके ये पूरा एमबी तृष्णा को बचा लिया है ना, बहुत मजा आता है। इसीलिए बोला जाता है कि देखने में चोट लगे और घाव करे गंभीर, मतलब जो है क्लास तो बहुत ही छोटा है सेवन क्लास, लेकिन इसमें इतना ज्ञान है, इतना जानकारी है कि किसी के व्यक्तित्व को परिवर्तन कर सकता है और बहुत ही इंग्लिश नॉलेज इंप्रूव कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग अलग अलग प्रकार के वीडियो के लिए अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये सब चीज हमने बोल ही दिया है, और फिर हम लोग बहुत सारा नेक्स्ट जब टॉपिक में आएंगे तो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखो जो जो वीडियो देखा ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, कि इसे शेयर करोगे तो तुम्हारा तो भलाई होगा, दूसरे का भी भलाई होगा और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन मजबूत होगा, और ये पीपल वेलफेयर फाउंडेशन जितना स्ट्रांग जितना मजबूत होगा आपको मजबूत कराएगा, आपको कामयाब कराएगा। जितना माल पीपल वेलफेयर फाउंडेशन कमाएगा सारा माल आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए पीपल वेलफेयर फाउंडेशन खर्चा कर देगा, राइट। तो हमारा उद्देश्य है माल रखना उद्देश्य नहीं है, माल कमाना उद्देश्य बहुत माल कमाना, लेकिन आप लोगों के लिए कमाना, विद्यार्थियों के लिए, देश के नागरिकों के लिए कमाना है, और सारा पैसा विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने में देश का भलाई में लगा देना है, ठीक है। तो पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। थैंक यू वेरी मच इन दिस वीडियो, आई एम अशोक कुमार शर्मा। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल AK Study Center। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।